हाय ऑल, दिस इज अंजलि। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ और जावा के आउटपुट क्वेश्चंस, व्हिच आर रियली इम्पोर्टेंट फॉर क्लास 12th आईपी। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ नम एंड नम वन आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कोड। सो वी हैव दीज टू वेरिएबल्स, एक वेरिएबल का नाम है नम, एक का नाम है नम वन, ठीक है। देन वी हैव अ लूप व्हिच स्टार्ट्स फॉर नम, इनिशियलाइज हुआ नम 100 हो गया। कंडीशन क्या है, नम लेस देन इक्वल टू 101, ठीक है। सो पहली बार वो चेक करेगा कि नम 100 है, 100 लेस देन इक्वल टू 101 इज ट्रू, ओके इट इज ट्रू। सो वो यहां से आ जाएगा अंदर। अब ये जो स्टेटमेंट है ये है नम 1 इज इक्वल टू नम प्लस 2। नम राइट नाउ 100 है, 100 प्लस 2 विल बी 102। सो नम 1 की जो वैल्यू अभी होगी दैट शुड बी 102। उसके बाद माइनस माइनस नम 1, मतलब नम 1 की वैल्यू को 1 से डिक्रीज कर दो, तो उसी जगह पर नम 1 डिक्रीज होके 101 हो जाएगा। फिर ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। जब ब्रैकेट क्लोज होती है तो हम इंक्रीमेंट पे जाते हैं। इंक्रीमेंट क्या हुआ, नम, नम 1 नहीं, नम इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। सो बी केयरफुल इन नम एंड नम 1। सो यहाँ पे नम इंक्रीज हो रहा है। सो एज पर दैट अब जो नम है उसकी वैल्यू 101 हो गई, लेकिन एज पर द प्रीवियस इटरेशन नम 1 भी हमारे पास 101 हो गया था। ये थी वैल्यू आपके पास नम 1 में, सो दिस वाज 101। और जब ये ऊपर गया तो अब नम प्लस प्लस होने से नम की वैल्यू 101 हो गई। कंडीशन चेक हुई, ट्रू है, ट्रू है, तो फिर से लूप के अंदर आएंगे, फिर से लूप के अंदर आए, फिर से इधर आए। नम 1 इज इक्वल टू नम प्लस 2, नम फिलहाल 101 है, 100 प्लस 2 इज 103। सो नम 1 की वैल्यू हुई 103, एक कम कर दिया तो 102 हो गई। फिर यहाँ आएगा नम प्लस प्लस, नम पिछली बार 101 था इसलिए नम 102 हो जाएगा, और ये तो 102 हो ही गया था। लेस देन इक्वल टू 101 इज फॉल्स, सो इट विल स्टॉप, इट विल स्टॉप एंड इट विल कम आउट ऑफ द लूप। लूप खत्म हो गया। अब आपसे यही पूछा है कि लूप खत्म होने के बाद नम और नम 1 की वैल्यू क्या है, तो इसका आंसर क्या है, नम इज 102 एंड नम 1 इज ऑल्सो 102, ठीक है। सो इसमें दोनों की वैल्यू ही 102 होगी व्हेन द लूप इज ओवर, दैट्स ओके। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट विल बी डिस्प्लेड इन टेक्स्ट फील्ड 1 एंड टेक्स्ट फील्ड 2 आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ कोड। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें एक बहुत बेसिक सी टेक्निक है जो हम पॉलीमॉर्फिज्म करते हैं जावा में, कि जो स्ट्रिंग्स हैं वो कैसे वर्क करती हैं प्लस के साथ, मींस बेसिकली प्लस कैसे वर्क करता है स्ट्रिंग्स के साथ या नंबर्स के साथ। सो अगर आप प्लस साइन को नंबर्स के साथ यूज करते हो वो उसे न्यूमेरिक ऐड करता है, लेकिन अगर वही प्लस साइन स्ट्रिंग के साथ यूज होता है तो कंकैटिनेट होता है। तो इस एग्जांपल में देखो अब क्या है, नम है 35, नम 1 है 46, ओके ये नम 1 है। सो इसमें क्या है, नम प्लस नम 1 प्लस कोट्स। सो शुरू लेफ्ट साइड से करेगा, नम है 35, 35 प्लस 46 पहले होगा, सो नम प्लस नम 1 दैट इज 35 प्लस 46 वुड बी 81, ठीक है। उसके बाद हुआ प्लस कोट्स, मतलब वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए और फिर टेक्स्ट फील्ड में सेट हो जाए। तो टेक्स्ट फील्ड में जो सेट होगा वो सेट होगा 81, क्योंकि पहले ये एडिशन हुई उसके बाद वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ। आर यू गेटिंग इट, क्योंकि सेट टेक्स्ट जब कराना होता है टेक्स्ट फील्ड में तो हमें पहले उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कराना पड़ता है। सो दिस इज हाउ वी हैव डन दिस। टेक्स्ट फील्ड 2 में देखो क्या है, ये कोट्स पहले है, कोट्स प्लस नम पहले काम करेगा, सो ये चीज पहले काम करेगी। अब कोट्स प्लस 35 विल बिकम 35 इन कोट्स, मतलब स्ट्रिंग को 35 के साथ कंकैटिनेट करूंगी तो 35 ही स्ट्रिंग बन जाएगा। सो 35 विल बिकम अ स्ट्रिंग, और उसके साथ वो अब करेगा ऐड 46 को। तो जावा में जब भी एक स्ट्रिंग एक नंबर के साथ ज्वाइन होती है रिजल्ट हमेशा स्ट्रिंग होता है। तो इस वाले का आंसर जो आएगा दैट विल बी 3546। सो आंसर में हम क्या लिखेंगे, जो टेक्स्ट फील्ड 1 है दैट विल शो 81, लेकिन जो टेक्स्ट फील्ड 2 है वो इनको कंकैटिनेट कर देगा, क्योंकि ये पहले पूरी स्ट्रिंग बन गई 35, उसके साथ 46 ज्वाइन हो गया। सो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 3546।
सिक्स. ओके, सो एक डबल कोट्स की पोजिशन से पूरा आंसर चेंज हो जाता है. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल जब आप नंबर्स और स्ट्रिंग्स के साथ एक साथ काम कर रहे होंगे. ओके, दिस थर्ड क्वेश्चन इज क्वाइट ईजी एंड सिंपल. इसमें क्या है, हमारे पास एक आई है जीरो, एक्स है जीरो. ठीक है, तो हम यहाँ पे इनिशियली लिख लेते हैं आई जीरो है, एक्स जीरो है. वाइल लूप यूज हो रहा है, तो कंडीशन देखते हैं क्या है. कंडीशन है आई लेस देन टेन. ओके, आई लेस देन टेन दैट इज जीरो लेस देन टेन ट्रू है. ट्रू है तो क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ आई मॉड टू इक्वल टू जीरो. जीरो है अभी, जीरो मॉड टू तो जीरो ही होता है. तो ठीक है, जीरो मॉड टू इक्वल टू जीरो इज ऑल्सो ट्रू. दिस इज ऑल्सो ट्रू. सो क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन. एक्स में जीरो था, अब एक्स में जीरो ही रहेगा क्योंकि हम आई को ऐड कर रहे हैं, वन को ऐड नहीं कर रहे. तो आई जीरो है, एक्स भी जीरो है, जीरो प्लस जीरो जीरो, और स्क्रीन पे प्रिंट भी क्या हो जाएगा, जीरो. उसके बाद आई प्लस प्लस होगा, आई वन बन जाएगा. फिर यहां से जाएगा ऊपर, वन लेस देन टेन ट्रू है. सो आई हो गया वन लेस देन टेन इज ट्रू, लेकिन वन मॉड टू इज नॉट इक्वल टू जीरो. तो जो इफ के अंदर स्टेटमेंट्स लिखी हैं ये हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे क्योंकि वन मॉड टू जीरो नहीं होता है. तो वो सीधे इधर आ जाएगा, आई प्लस प्लस से आई की वैल्यू थ्री हो जाएगी. फिर से ऊपर जाएगा, थ्री लेस देन टेन इज ट्रू. थ्री लेस देन थ्री नहीं होगा, सॉरी, हम वन पे थे, अब टू हो जाएगा. टू लेस देन टेन इज ट्रू, टू लेस देन टेन इज ट्रू. अब वो चेक करेगा कि क्या टू टू से डिवाइड होता है. यस, होता है. होता है तो एक्स को इंक्रीज करो. एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस आई. एक्स अभी भी जीरो है, आई टू है. सो जीरो प्लस टू विल बी टू. अभी जो स्क्रीन पे प्रिंट होगा वो टू प्रिंट हो जाएगा और एक्स की वैल्यू भी टू हो गई है. फिर आई थ्री हो गया, थ्री लेस देन टेन ट्रू है, लेकिन थ्री टू से डिवाइड नहीं होता. सो थ्री लेस देन टेन इज ट्रू, लेकिन थ्री मॉड टू इज नॉट इक्वल टू जीरो. फिर फोर हो जाएगा, फोर लेस देन टेन ट्रू है, एंड फोर मॉड टू भी जीरो होता है. होता है तो क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस आई. एक्स पिछली बार टू हो गया था, आई अभी फोर है. सो टू प्लस फोर विल बी सिक्स. सो एक्स की न्यू वैल्यू सिक्स हो जाएगी और वो प्रिंट हो जाएगी. फिर आई हो जाएगा सेवन. सेवन नहीं होगा, आई फोर था तो आई हो जाएगा फाइव. फाइव लेस देन टेन इज ट्रू, लेकिन फाइव मॉड टू इक्वल टू जीरो नहीं होता. फिर आई सिक्स हो जाएगा, सिक्स लेस देन टेन ट्रू है, एंड सिक्स टू से डिवाइड भी होता है. होता है तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू एक्स प्लस आई. एक्स की पुरानी वैल्यू सिक्स है, आई की वैल्यू अभी सिक्स है, तो सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व हो जाएगा. तो x की न्यू वैल्यू हो जाएगी ट्वेल्व और वो प्रिंट हो जाएगी. फिर आपके पास आई सेवन हो जाएगा, सेवन लेस देन टेन ट्रू है. सेवन मॉड टू डिवाइड नहीं होता है, सेवन टू से डिवाइड नहीं होता है. फिर हो गया एट, एट लेस देन टेन इज ट्रू. एट मॉड टू इक्वल टू जीरो इज ट्रू. इज ट्रू, सो एक्स की पुरानी वैल्यू 12 थी, 12 प्लस 8 विल बी 20. सो नेक्स्ट वैल्यू वो प्रिंट करेगा 20, बिकॉज एक्स की न्यू वैल्यू 20 हो गई है. फिर आई हो गया 9, 9 लेस देन 10 इज ट्रू, लेकिन 9 मॉड 2 इज नॉट इक्वल टू 0. तो एक्स के साथ कुछ नहीं होगा. फिर आई हो जाएगा 10, 10 लेस देन 10 इज फॉल्स. वी आर स्टॉप, लूप स्टॉप हो गया. तो आपके पास आउटपुट जो है वो है ये ऑन डिफरेंट लाइन्स. सो वील गेट 0, 2, 6, 12, 20 as output of this code. ठीक है, तो आपके पास लूप के अंदर चाहे कंडीशन हो या कोई भी और स्टेटमेंट हो, बस आप एक एक करके स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते जाओ इन अ पैटर्न, सो दैट आप हमेशा करेक्ट रिजल्ट पे पहुंचो लास्ट में. सो दिस इज हाउ वी गेट टू द करेक्ट रिजल्ट एट द एंड. सो दैट 0, 2, 6, 12, 20. ओके ओके, फोर्थ क्वेश्चन. आई जीरो है, यहाँ पे इनिशियलाइज हुआ, आई वन हो गया. वन लेस देन इक्वल टू 20 इज ट्रू. ठीक है, फिर वो यहाँ आ जाएगा, प्रिंट कर दिया आई को. तो आई अभी 1 था, 1 प्रिंट हो गया. फिर हुआ आई इज इक्वल टू आई प्लस 2, जिससे आई की वैल्यू 3 हो जाएगी. फिर वो ऊपर आया, इधर यहाँ से ऐसे आएगा ऊपर. आई प्लस प्लस से आई चेंज होकर 4 हो जाएगा. कंडीशन चेक होगी, 4 लेस देन इक्वल टू 20. यस, इट्स ट्रू. प्रिंट कर दो आई को, तो स्क्रीन पे 4 प्रिंट हो गया. पहले प्रिंट करेंगे फिर 2 ऐड करेंगे. जिस ऑर्डर में स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट करनी है. तो 4 प्रिंट हो गया. फिर I 2 से इंक्रीज हुआ, तो 4 प्लस 2 6 हो गया. फिर 1 से इंक्रीज हुआ तो 7 हो जाएगा. ट्रू है, 7 प्रिंट हो जाएगा, लेकिन फिर वो 2 से इंक्रीज होके 9 हो जाएगा. फिर
इधर जब आएगा तो 10 हो जाएगा. सो 10 लेस देन इक्वल टू 20 इज ट्रू, 10 प्रिंट हो जाएगा, लेकिन आई 12 हो जाएगा. यहाँ पे 13 हो गया, 13 लेस देन इक्वल टू 20 इज ट्रू, 13 प्रिंट हो गया, बट आई चेंज होके 15 हो जाएगा. सो 15 हो गया, 15 लेस देन इक्वल टू 20 इज ट्रू, सो प्रिंट होगा 15, लेकिन आई 17 हो जाएगा. फिर इधर आएगा 18, 18 लेस देन इक्वल टू 20 इज ट्रू, 15 के बाद नेक्स्ट वैल्यू 18 प्रिंट हो जाएगी, इट विल बिकम 20 एंड देन विल बिकम 21, 21 लेस देन इक्वल टू 20 इज फॉल्स. सो आपके पास स्क्रीन पे जो आउटपुट आएगा वो होगा ये 147, 10, 13, 15, 18, ऑल ऑन डिफरेंट लाइन्स क्योंकि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन से प्रिंट हुआ है. ओके, सो दैट्स हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन. एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो इज फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड. ये स्ट्रिंग्स पे बेस्ड है. हमारे पास इनिशियली एक स्ट्रिंग है वर्ड जिसमें हाई राइज है. सो मैं यहाँ लिख लेती हूँ कि मेरे पास है वर्ड जिसके अंदर वैल्यू है हाई राइज. ओके, उसके बाद लिखा है वर्ड एल सी इज इक्वल टू वर्ड डॉट टू लोअर केस. सो हमने एक और वेरिएबल ले लिया जिसका नाम है वर्ड एल सी, उसमें यही सेम वैल्यू है हाई राइज, लेकिन सारे के सारे स्मॉल लेटर्स में है. फिर लूप शुरू हुआ, इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन वर्ड सी डॉट लेंथ. सो एट लेटर्स हैं हाई राइज में मेरे पास, तो ये बेसिकली बन गया आई लेस देन एट. ठीक है, कंडीशन ट्रू है, अंदर आ गए, इंक्रीमेंट में तो बाद में जाएंगे. यहाँ पे एक और स्ट्रिंग ले ली ई एक्स टी एस टी आर, इसमें क्या लिया वर्ड सी डॉट सब स्ट्रिंग आई कॉमा आई प्लस टू. सो सब स्ट्रिंग शुरू करना है आई से, आई कितना है जीरो, मतलब मुझे जीरो पोजिशन से कैरेक्टर्स उठाने हैं. कहाँ तक उठाने हैं, जीरो प्लस टू दैट इज टू, सो इसका मतलब बन गया जीरो कॉमा टू. सो सब स्ट्रिंग में हम इस कैरेक्टर से शुरू करते हैं और इससे एक पहले तक उठाते हैं, मतलब मुझे सिर्फ जीरो और वन वाले कैरेक्टर को पिक करना है. तो जीरो पे है एच और वन पे है आई, सो ये क्या पिक करेगा, एच आई, जो कि टेक्स्ट एरिया में अपेंड करा दिया. सो जो टेक्स्ट एरिया है उसके अंदर अपेंड हो गया एच आई. ठीक है, फिर आया वो इंक्रीमेंट पे, आई प्लस इक्वल टू फोर, आई जीरो था, जीरो प्लस फोर फोर हो जाएगा. ठीक है, चेक किया फोर लेस देन एट, ट्रू है, फिर से अंदर आ गया. अब फिर से ये लाइन होगी वर्ल्ड एल सी डॉट सब स्ट्रिंग, अब आई फोर है, अब सब स्ट्रिंग होगी फोर कॉमा सिक्स है. सो दिस इज जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो फोर पे क्या है आर, तो फोर और फाइव को पिक करेगा, मतलब वो पिक करेगा आर आई को, और उसको भी हम अपेंड कर रहे हैं टेक्स्ट एरिया में. तो जब उसको टेक्स्ट एरिया में अपेंड करेंगे तो आ जाएगा आर आई. और न्यू लाइन पे क्यों आएगा, क्योंकि अपेंड में बैक स्लैश एन दिया हुआ था. सो दिस विल बी द कंटेंट ऑफ योर जे टेक्स्ट एरिया वन. सो दिस इज द आउटपुट. सो सिंपल है, बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि सब स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स कैसे फेच करने हैं, और पोजिशंस का थोड़ा ध्यान रखोगे तो यू कैन ईजिली सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू स्ट्रिंग्स एज वेल. सो आई होप यू अंडरस्टूड कि किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं. इन केस यू हैव एनी डाउट डू राइट इन द कमेंट्स बिलो. आपके पास ऐसे और क्वेश्चन हैं कहीं पर भी आपने देखे हैं जो आपको नहीं समझ आ रहे हैं कि उनका आउटपुट क्या आएगा या उनको कैसे सॉल्व करेंगे, तो डू सेंड दोज क्वेश्चंस. यू कैन मेल मी दोज क्वेश्चंस और यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट एक्सप्लेनिंग कि उनका आउटपुट कैसे आएगा, एंड आई विल पोस्ट इट एज सून एज पॉसिबल. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड येट. इट्स टोटली फ्री. थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस. टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग.